कौन सी बीमारी कैसे होती है और उसको कैसे ठीक करते हैं, ये हमारा काम है। हम लोगों को रिसर्च करना सिखाते हैं और साथ साथ जो आगे लोग एमडी करते हैं या पीएचडी करते हैं वो कराते हैं। तो मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करता हूँ। मैं कहूँगा बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, आप कहेंगे हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, जोर से आवाज आनी चाहिए भाइयों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के प्रयासों से जो हमको रिजर्वेशन मिली थी उसको बड़े तरीके से, बड़े सलीके से मेरे बड़े भाई चौहान साहब बैठे सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम के द्वारा हमसे छीना गया। आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मेरे ताऊ जी जो है वो पंजाब में एडवोकेट थे, तो उस टाइम जो कुलदीप सिंह जी थे, जस्टिस कुलदीप सिंह जी, वो एंटी रिजर्वेशन स्टेट के प्रेजिडेंट थे और मेरे ताऊ जी जो थे वो रिजर्वेशन वालों के साइड थे। तो कुलदीप सिंह के मन के अंदर ही शुरू से पाप था, तो उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से आर के सक्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या करा कि कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं हुआ, उन्होंने सीधा करा, आप नगर निगम पढ़ा हो तो उन्होंने सीधा करा क्या करा कि आज के बाद जो रोस्टर जो है वैकेंसी बेस में होकर पोस्ट बेस बन जाएंगे। चौहान साहब मैं आपको आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि रोस्टर का मतलब है रोटेशन। आज एक बैठ रहा है, कल दूसरा बैठ रहा है, कल तीसरा बैठ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या करा कि रोस्टर को क्या करा वैकेंसी बेस के स्थान पर पोस्ट बेस रोस्टर बना दिया। आप सबको पता होगा कि 40 पॉइंट रोस्टर के अंदर पहला पॉइंट जो था वो SC का था और आठवां और चौदहवा पॉइंट भी SC का था और चौथा पॉइंट जो था वो था ST के लिए। अब उस रोस्टर को क्या कर दिया वैकेंसी बेस के स्थान पर पोस्ट बेस रोस्टर बना दिया। अब क्या हुआ कि SC को पॉइंट मिला 7वां और ST को मिला 14। ये हुआ कि रिप्लेसमेंट में मिलेगा, जब आप किसी आदमी को प्लेस ही नहीं करेंगे तो रिप्लेसमेंट कहां से आएगी, और अगर ऑलरेडी 3 आदमी प्लेस होंगे तो आगे वाले रिप्लेस नहीं होंगे। तो मैंने इस समस्या को देखते हुए SC ST कमीशन में लिख के दिया कि सर हमको जो है इसके अंदर रिजर्वेशन 7% मिलता है, क्योंकि सरकार को पता था कि जो भी कैडर है वहाँ पे छोटी पोस्ट कम है, अर्थात 13 से कम पोस्ट ज्यादा है, तो उनके मन के अंदर ये कभी रहा ही नहीं कि हमको रिजर्वेशन मिले। तो मेरे कहने के ऊपर सेक्रेटरी डीओपीटी को बुलाया गया, तो सेक्रेटरी डीओपीटी ने कहा कि सब ऐसा करेंगे हमको कोई मुश्किल नहीं है, हम इस समस्या को आगे बढ़ा देंगे, हम 14 पॉइंट देंगे SC को और 15 पॉइंट देंगे ST को ताकि रिजर्वेशन हमारे को पूरी 15 पॉइंट मिल जाए। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने 2 साल और इस सरकार ने 4 साल, इस पहले तो कहते थे कि हम इसके ऊपर कैबिनेट अप्रूवल लेके आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है कैबिनेट अप्रूवल लाके, क्योंकि उनको पता था अगर उन्होंने इस विषय को ठीक करना होगा तो इसका सीधा तरीका था कि ऐसा रोस्टर बनता ही नहीं, क्योंकि रोस्टर कभी भी 2 तरह के नहीं रहे। आप देखेंगे जब से रिजर्वेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू हुई है तो रोस्टर पॉलिसी देखी जाती है, लेकिन जान के ताकि SC ST को उनका हक ना दिया जाए, इन्होंने जो रोस्टर ये 14 पॉइंट रोस्टर एंड टाइम रोस्टर शुरू करा, इसके अंदर हमको जो रिजर्वेशन 7% मिल रहा है चौहान साहब। अब समस्या क्या खड़ी हुई, मैंने फिर लिख के दिया इनको कि साहब हमको कुछ नहीं हुआ, अब क्योंकि कैबिनेट के अंदर तो हर वीरवार को मीटिंग होती है, अगर इसको ठीक करना चाहते तो बड़े प्यार से वो कैबिनेट अप्रूवल करके कर सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा जो है डमरू बजाने की है ताकि डमरू पे टक टक करके वहां जाते रहे, लेकिन मिले किसी को नहीं, ये सरकार की मंशा है। तो मैं समय मुझे दिया गया, मैं इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मुद्दे पे कोई निर्णय नहीं कर रहे, मैं चाहूंगा इस मुद्दे को कराया जाए क्योंकि इससे सारे लोगों को फायदा होगा। धन्यवाद, जय भारत, जय भारत।